आपका अपने चैनल में स्वागत है और आज हम बनाने वाले लस्सी, वो भी प्रोटीन वाली लस्सी, हाई प्रोटीन लस्सी बनाएंगे। वैसे 100 ग्राम दही में आपको मिल जाएगा 4 ग्राम प्रोटीन, ज्यादा नहीं मिलते, यहाँ पे लिखा हुआ पीछे भी। और साथ में हम लेंगे आज एटम का प्रोटीन, इसका बस एक ही लफड़ा लगता है दोस्तों, इसको क्लिप बांध के रखनी पड़ती है। यहाँ पर इसका जो दिया हुआ है ना वो अच्छा नहीं है, बाकी मैं पहले एमबी का यूज करता था पर वो थोड़ा बजट के बाहर चला गया, तो अब हम यूज कर रहे हैं एटम, बजट फ्रेंडली और मजा भी आ जाएगा, टेस्ट भी इसका ठीक ठाक है और ये मैंगो फ्लेवर का दोस्तों। पर पानी के साथ पीते हैं ना तब थोड़ा सा दवाई दवाई का टेक्सचर आता है, पर इसको मैंने मिल्क के साथ पिया और आज लस्सी बनाएंगे, क्या टेस्ट आएगा, आप भी ट्राई करना। अगर आपके पास प्रोटीन हो तो आप दही के साथ लस्सी बना के ट्राई करना। आज हम बनाएंगे लस्सी, इसमें ये मम्मी ने खरीद लिया था तो ऊपर हम भी ट्राई करते हैं। और ये देखिए अब भी तो अच्छा खासा चल रहा है, बीच में मैंने एक बार ट्राई किया था पर चला नहीं था, पर देखते आज बनता है कि नहीं। लस्सी सबसे पहले लेंगे दही, अंदर एक स्कूप वे प्रोटीन डालेंगे मैंगो फ्लेवर का और टेस्ट करेंगे कैसा लगता है। पहले ले रहा हूं एक स्कूप वे प्रोटीन, थोड़ा सा ढूंढ गया, एनर्जी इतनी कि ढूल जाए। उसके बाद लेंगे हम हमारा नॉर्मल सा दही, अगर मार्केट में आपके पास अच्छा मिलता है, कलकत्ता में मिलता है, पर मैंने यही लिया ताकि सबके पास ये मिल जाएगा और ये इजी टू अवेलेबल है। फिर हम डालेंगे दही हमारा, हाय हाय हाय, बस इतना ही रखता हूँ, आ गया कंटेनर। चलिए बनाते हैं लस्सी, अगर आपके पास नॉर्मल बर्तन और विक्स को ना उसमें बना सकते हो। हाँ चालू हुआ। आवाज आ रही है पर दोस्तों यहाँ हलचल कुछ नहीं हो रही है। अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया वो करके जाना। हाँ हुआ थोड़ा बहुत, थोड़ा सा ऊपर से खोल के देखता हूँ, ये तो रुक गया, ये देखिए प्रोटीन तो यहाँ ही रह गया, थोड़ा सा दोस्तों प्रोटीन निकालता हूँ कहीं पे, फिर ट्राई करते वापस। अब वापस से चालू करता हूँ, स्पेस नहीं मिल रहा है, थोड़ा स्पेस रखना पड़ता है इसमें, थोड़ा जार में एक ऊपर थोड़ा उंगली डाल के देखता हूँ। हाँ दोस्तों चालू तो हो गया, थोड़ा सा लगता है पानी डालने की जरूरत रहेगी। हाय हाय टेस्ट तो लाजवाब लगता है, थोड़ा सा पानी ऐड करता हूँ फिर देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठीक है दही भी और साथ में प्रोटीन भी डाला है ना, और ये साला सस्ता रस्ते का मत सस्ते में, देखते हैं। थोड़ा सा पानी और ऐड करता हूँ दोस्तों, क्योंकि प्रोटीन है तो वो अटक जा रहा है और इसकी मोटर ज़्यादा लोड नहीं लेती है। चलिए एक चीज तो बढ़िया ही चल रहा है, अब थोड़ा देसी तरीका लगाना ही पड़ेगा। हाँ देखिए अब घूम रहा है ना, दिख रहा है आपको। चलिए कुल मिला के हमारी लस्सी तैयार हो गई, अब हम निकालेंगे इसके अंदर और देखेंगे ट्राई करेंगे कैसी लगती है। थोड़ा उधर तो चलता है, बाकी ये ज्यादा बढ़ गया ना तो नहीं चलता, देखिए ये देखिए चल रहा है ना, बाकी इसके अंदर ज्यादा बढ़ देते नहीं चलता, ये मैंने वापस से थोड़ा बहुत निकाला था, अंदर थोड़े से लम्स रह गए, पर आप ट्राई करना तो उसमें ही करना विस्कर से, इससे बढ़िया ये विस्किंग वाला करने वाला तरीका। टेस्ट कर दो, प्रोटीन के लम्स रह रहे इसमें, अभी तक बरोबर मिक्सिंग नहीं हुई है। चलिए मिक्स करके आपको निकाल के बताता हूँ, हमारा देसी तरीका ही यूज करेंगे, ये मशीन ऐसी नहीं काम की दोस्तों, आपके पास अगर अच्छा मशीन हो घर पर वो यूज करना, हॉस्टल वालों का यही काम है। देखिए लम्स रह गए बहुत सारे प्रोटीन के, इसको निकालिए
और अपना विस्कर लीजिए और लस्सी बनाइए। हाय हाय, देखिए यही बढ़िया, ओल्ड इज गोल्ड। हाँ देखिए, अच्छा हो गया ना, खाम खा इसको अब धोने की टेंशन। अरे देसी लस्सी तैयार हो गई देसी तरीके से। हाय हाय, गाढ़ा देखिए, टेक्सचर देखिए इसकी, थिकनेस, हाय मजा आ गया। और मेरे पास दोस्तों ड्राई फ्रूट तो नहीं है, मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ पीनट्स, रेजिन और साथ में चकना ही डाल रहा हूँ, मतलब सारा। चलिए ट्राई करते कैसा बनता है। तो गार्निश करूंगा चने, पीनट और थोड़े से रेजिन से। और ये हमारी लस्सी तैयार, टक टकाटक। हमारी लस्सी तैयार हो गई, मैंने डाला रेजिन, साथ में थोड़े से मतलब भुना हुआ चना और साथ में दोस्तों डाली मैंने पीनट्स। इसको टेस्ट करते और लाजवाब देखिए, हाय हाय थिकनेस देखिए, मजा आ गया। चलिए आपको टेस्ट करके बताता हूँ कैसे है। करते हाई प्रोटीन लस्सी। हाय मजा आ गया, पेट भी भर जाएगा, टेस्टी भी, प्रोटीन भी, और साथ में आपके पास काजू बादाम और वो हो ना वो डाल दीजिए। मेरे पास अभी खत्म हो गई इसलिए मैं डाले पीनट और चने और साथ में रेजिन का जो टेस्ट आ रहा है लाजवाब, मजा आ गया। और बर्फ होता ना थोड़ा ठंडा, जन्नत का एहसास। ये आपके लिए, पी लीजिए एक, एक बनाइए और पीजिए, सो गुड। ऐसी और अलग अलग वीडियो के लिए चैनल को लाइक तो आपने कर दिया होगा, कमेंट करना आप बना के, मैं पढ़ूंगा बाद में। तब तक के लिए बाय बाय, थोड़ा फ्लेक्स कर लूं। कल मिलेंगे, टाटा।